वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की इबरतनाक शिकस्त का जिम्मेदार आईपीएल को करार दिया जा रहा है। क्रिकेट फैंस, मीडिया और साबिक क्रिकेटर समेत इस वाले से हम आज की वीडियो में देखेंगे। वीदियो को लाइक और चैनल को बेल की घंटी के साथ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। टीम इंडिया के वो क्रिकेटर जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, जिनके लिए आईपीएल सर्वोपरि है, जो आईपीएल में करोड़ों कमाने के लिए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के क्रिकेट भक्ति को खूंटी पर टांग देते हैं। अब टेस्ट क्रिकेट आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मैं अरसे से ये चीज देख रहा हूँ, वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे भारत की टीम फॉर्मेट्स भी छोड़ देती है, मैच भी छोड़ देती है, आईपीएल तो छोड़ती नहीं। इसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, छोड़ दो भाई टेस्ट क्रिकेट, मत खेलो ना यार। आप आईपीएल खेलो, मस्त वहां पैसा चीरते हो, चीरो पैसा। आईपीएल खेलो, पैसा चीरो, चैंपियन बनो। टीम इंडिया का क्या है, वो तो चलती रहेगी, ऐसे शर्मसार होती रहेगी, पूरी दुनिया हंसी उड़ाएगी। छोड़ दो, मत खेलो यार, क्यों एहसान कर रहे हो यार, आईपीएल खेलो ना, करोड़ों रुपए मिल तो रहे हैं। क्या करना है वर्ल्ड कप खेल के आपने, कितनी कुर्बानी दोगे आईसीसी ट्रॉफी की बिकॉज ऑफ आईपीएल, ये बता दो। आप आईपीएल में जज्बा दिखा रहे हो, आप देश के लिए कुछ 10 साल से नहीं जीते, हम सब क्या वेट कर रहे थे आईपीएल के चैंपियन का, डब्ल्यूडीसी फाइनल का, विनर का वेट कर रहे थे कि यहां हम टेस्ट क्रिकेट जो 4 साल से खेलते आ रहे हैं, 2 बड़े दिन आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है वहां पर। ये सारे के सारे आईपीएल के जो हीरो हैं, इनकी इतनी धुलाई हुई है, कुत्तों की तरह धुलाई हुई आजकल। जी हमें आईपीएल की थकान थी जी, हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। के लिए इतना बड़ा बोर्ड, लाखों करोड़ों पैसा, सारी फैसिलिटीज आपके पास, बड़े दिन में आपकी घिग्गी बज जाती है। अब कितने बड़े बड़े दिन, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य तो अभी खेल रहे, रविंद्र जडेजा, आपको तो सही बोल रहे थे लोग कि 3 दिन में हारेगा इंडिया, आपकी पब्लिक खुश है आईपीएल से, मुंबई इंडियंस आरसीबी भी खत्म, सीएसके, एंजॉय लाइफ। तो आईपीएल को 6-8 महीने करवा लो ना, फिर खेल क्यों रहे हो आप डब्ल्यूटीसी। अगर आपने आईपीएल ही खेलना है, आप आईसीसी टूर्नामेंट खेलते क्यों? आईपीएल खेला, चलो बस्ते उठाए, टेस्ट खेलो, 4-4 ओवर तुमसे हो नहीं रहे, 20-20 ओवर डालोगे। भाई लोग एक काम करो, आप लोग ना बस आईपीएल खेलो, जाके मस्त आईपीएल खेलो, पैसा चीरो, बढ़िया तो चल रहा है एकदम। 2 महीने खेलते हो, 15 करोड़ गिर जाते हैं, वो भी ऑफिशियल वाले, एंडोर्समेंट का अलग पैसा मिलता है, बढ़िया 30-40 करोड़ खड़े हो जाते हैं। देश के लिए क्यों खेल रहे हो? क्योंकि आप देश के लिए खेल नहीं रहे हो, आप देश को शर्मसार करा रहे हो। छाती चौड़ी करके आईसीसी ट्रॉफी आ गया इंडिया सबसे बड़ा भाई, जो मैनेजमेंट है उसमें भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप आईपीएल को देश से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। वहां पर लगे भी आईपीएल मारो गए 3 सेंचुरी 4 मैच में इंग्लैंड में, बेटा ऐसे बोल्ड हो रहे हो, आ गए बस घर में आउट करते रहो, घर में 3 घर में बुला लो, गट्टे खिलाओ, दे स्पिनर पे स्पिनर, दे अश्विन, जडेजा, अक्षर, आ जाओ। जिस दिन आईपीएल खत्म हुआ था उस दिन से सवाल उठ गए थे कि क्या 1 हफ्ते का समय आपके लिए आइडियल है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बीसीसीआई को भी। 2 महीने के लिए आपको 17 करोड़ दूंगा, 15 करोड़ दूंगा, 12 करोड़ दूंगा, 10 करोड़ दूंगा, सब पैसा आपको क्या पैसा एक्सपोज किया है। और 5 महीने कराओ आईपीएल, खत्म करो ना ये सारी चीजें, फिर आईपीएल में प्रायोरिटी रखो। और अगर ये सब खेलना है तो आईपीएल वाले बोलर्स को फिर तुम किस बेसिस पे लेके आ रहे हो? वो उसके जिम्मेदार भाई आप, हम सब खुद ही हैं। आप इंडिया के लिए, हम भाई हम इमोशनल होके बहुत ज्यादा वेट करते हैं, बड़ा फाइनल आएगा, हम प्रिपेयर्ड हैं। यार अभी बिल्कुल सही कहा कि आप 2-2.5 महीना आईपीएल खेलकर आ रहे हो, आपकी आपके प्लेयर्स की बॉडी आपको बता रही है कि आप कितनी जल्दी थक गए हो। या आईपीएल के फैंस, जो आईपीएल की ऑडियंसेस हैं, वो भारतीय क्रिकेट के फैन बनेंगे, जब वो सवाल पूछेंगे उन सवालों का जवाब ढूंढा जाएगा। लेकिन अगर आप आईपीएल के फैन बने रहेंगे, अपने खिलाड़ी को बैक करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो दूसरे वाला जो है पहले वाले को नीचा दिखाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक ऐसे ही चलेगा। अभी तो आईपीएल खेल कर आए, उनके पास टाइम क्या है सब देखने का, वही तो चीजें। मत खेलने देते उनको आईपीएल, उनको बोलते जाके खेलें टेस्ट क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन काउंटी क्यों खेलना है बॉस, पैसा। उसकी इज्जत नीलाम करवा रहे हो, शर्मा रही है कि नहीं आ रही? रोहित शर्मा 5 आईपीएल टाइटल, क्या कप्तान है, अरे कोहली हटाओ, बेकार कप्तान है। रोहित शर्मा को दो, 5 आईपीएल जीता हुआ है, 5 लो जीत लो, बल्ले से रन भी नहीं निकलते हैं। चलिए शांति, कप्तानी घटिया, कोचिंग वाहियात, लागत तुम्हारी शक्लों के ऊपर, फिटे बू ऐसी तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर। अबे क्या तुमने हमसे बदला लेने के लिए खेलते हो क्या आईसीसी ट्रॉफी तुम लोग यार? आईपीएल के शेयर इंटरनेशनल में ढेर पहले। जय श्री राम, सब सही है, जय बजरंगबली, खत्म है भाई सीन। कुछ तो शर्म करो यार,
आपके लिए सिर्फ आईपीएल इंपॉर्टेंट है, आपके लिए टीम इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए आईसीसी ट्रॉफी जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्रिकेट चलता रहे, हमारी दुकान चलती रहे। और जब से आईपीएल आया है आपने क्या जीता? 2000 जब से आईपीएल वाले सितारे आने लग गए हैं टीम का हाल यही होने लग गया। शर्मनाक खराब प्रदर्शन इंडियन टीम का। कमेंट्री में बोल रहे हैं लोग कि बॉलर तुम्हारे थके हुए, तुम्हारे मुंह पे बोल रहे हैं थके हुए बॉलर लेके आए, पूरा आईपीएल खेल रहे हो, चार चार बॉले चार चार ओवर करा रहे हो, यहां पर आकर 17 ओवर। टीम इंडिया की नाक कटी है, टीम इंडिया शर्मसार हुई है, उसकी WTC फाइनल में शर्मनाक हार हुई है। हाथ जोड़कर 18 ओवर यहां पे कराने पड़ रहे, तुमसे बॉल ही नहीं डल रही भाई। और ये सब के सब सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं, इनको आईपीएल खेलवाओ, इनके बस का T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप नहीं है, आईसीसी टूर्नामेंट इनके बस का नहीं है। इनफैक्ट किंग कोहली भी वो नाम के किंग रह गए हैं। क्या मजाक हो रहा है, ये आईपीएल खेल के आ रहे हैं ना यार, ये आईपीएल खेल हमारा भाई, आप लोगों को क्या है, आईपीएल खेलो जाके। आप एक काम करो, घर के गड्ढों के ऊपर ना आप कराओ टूर्नामेंट, आप कराओ टूर्नामेंट, WTC वहीं पर कराओ, वहीं फाइनल करवा लो, वहीं जीतोगे। कुछ तो आईपीएल छोड़ा, टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, WTC का हीरो बन गया। भारतीय क्रिकेटरों को आनी चाहिए शर्म, नहीं चाहिए आईपीएल का पैसा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने टेस्ट को ऊपर रखा। हो सकता कि बार बार फाइनल, सेमी फाइनल, फिर फाइनल, सेमी फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, वर्ल्ड कप सेमी फाइनल, T20 वर्ल्ड कप सेमी फाइनल में तुम सेमी फाइनल हारे, तुमसे एक विकेट ली गई, तुम आज हारे, तुमसे पहले सेशन में रफा दफा, सिर का दुख है, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, आईपीएल आएगा तो मजे लेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन हमारी गलती हमने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। 100% रोहित कोहली रखोगे आप लोग लगातार 9 आईसीसी टूर्नामेंट में शर्मनाक हार, कुछ तो शर्म करो यार, इतनी बेशर्मी समझ नहीं आ रहा है। टीम इंडिया इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है, कोई भी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, एक नहीं दो नहीं 9 शर्मनाक हार। आप ऐसे ही शर्मसार होते रहेंगे, आप ऐसे ही देश की इज्जत नीलाम करवाते रहेंगे और हम ऐसे अपना खून जलाते रहेंगे। काहे के कप्तान है भाई, आप कुछ कप्तानी करेंगे या फिर सारी कप्तानी आईपीएल में दिखाएंगे? 5-5 ट्रॉफी जिताने में वहां सारी कप्तानी चल जाती है, यहां क्या हो जाता है? आपको इंग्लैंड वाले T20 वर्ल्ड कप में आपको रन पर रन मार रहे थे, 10 विकेट से वो जीत गए, आप एक विकेट तक नहीं निकाल पाए। जो हिंदुस्तानी क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट से पहले 2020 खेलकर पसीना बहाते रहे, अपनी क्षमता को आईपीएल के 20 ओवर में समेट कर पैसा कमाते रहे, जो असली क्रिकेट खेलते वक्त हाफ गए, 300 रन भी नहीं बना पाए, आईपीएल के थके हुए शेर असली क्रिकेट में फिर हो गए ढेर। पैसे के भूखे ऐसे क्रिकेटरों के मुंह पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज ने करारा तमाचा जड़ा। गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने ऐसा राष्ट्रवादी बयान दिया जो हर एक क्रिकेट फैंस हिंदुस्तानी को 100% सच लग रहा है। मिचेल स्टार्क वही क्रिकेटर हैं जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के खिलाड़ियों को पानी पिला दिया, जिसने अपनी गेंद पर भारतीय खिलाड़ियों को नचा दिया। आईपीएल का जिक्र कर मिचेल स्टार्क ने भारतीय क्रिकेटर्स को भी बड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना मेरी प्राथमिकता है, मुझे इसका कोई मलाल नहीं, पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन WTC फाइनल रोज रोज नहीं आता। ऐसे आईसीसी टूर्नामेंट के लिए आईपीएल के करोड़ों रुपए कुर्बान है। हार के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस हार का ठीकरा आईपीएल पर फोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आईपीएल से मिलने वाले पैसे ने हमारे प्लेयर्स का दिमाग खराब कर दिया, खिलाड़ियों पर देश के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए खेलने का आरोप लग रहा है, क्योंकि 31 मार्च से लेकर 29 मई तक इंडियन क्रिकेटर आईपीएल खेलने में बिजी थे। लगातार 2 महीने तक 20-20 ओवर का मैच खेलने के एक हफ्ते बाद यही खिलाड़ी टेस्ट खेलने निकल गए। 20 ओवर के मैच के आदि हो चुके इंडियन क्रिकेटर पहली पारी में किसी तरह 69 ओवर खेल पाए, जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 63 ओवर। यही वजह है कि लोग आईपीएल को WTC में हार का विलन बता रहे हैं।